तो शिमला से जानकारी सामने आ रही है, जेबीटी बीएड विवाद मामला यह है। राज्य सचिवालय पहुंचे हैं जेबीटी प्रशिक्षित, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब भर्ती हुए बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती से बाहर करने की मांग है। अब 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर सभी प्रशिक्षितों की नजर भी रहेगी, इसलिए अहम हो जाती है सुनवाई और सरकार से जेबीटी के पक्ष को मजबूती से रखने की जो मांग है वो भी की जाएगी। सरकार से मांग की जा रही है कि जेबीटी के पक्ष को मजबूती के साथ रखा जाए। इस प्रशिक्षित जो लोग हैं उनकी नजर रहेगी सुनवाई पर, जितने प्रशिक्षित टीचर्स हैं उनकी नजर इस सुनवाई पर बनी रहेगी। सितंबर को हाईकोर्ट में हमारा केस लगने जा रहा है रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग। सर, ये जो रिव्यू पिटीशन थी ये सरकार की तरफ से भी लगी है हाईकोर्ट में और हमने जेबीटी यूनियन की तरफ से भी लगा रखी है सर। तो सर, हम ये चाहते हैं कि माननीय जो हमारे एजी सर जी हैं वो 1 तारीख को हमारा पक्ष रखें और जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट बीएड को इन लोगों ने दे रखी है और जैसे कि उनके ऑर्डर पे लिखा भी है कि ये सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा, तो सर हम ये चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारी फेवर में है तो इन भर्तियों को बिल्कुल रद्द किया जाए और जो बीएड अपॉइंटी हैं जो इससे पहले भी सर 2 पोस्ट में लग चुके हैं कमीशन से भी और बैच वाइज से भी कुछ कैंडिडेट लगे, इन सभी को बाहर किया जाए सर।